एक या दो वाकयात बयान करें कि जिससे रूह हमारी नूरानी हो और उन जबात मुकदस से हम तवसल करें कि लुबनान की एक खातून के जिनकी बच्ची बीमार थी और ये बात आज से तीस पैंतालीस साल पहले की है कि वो लुबनान के गांव देहात से एक बड़े शहर में कहाँ पर दमिश में इलाज कराने आई जब इलाज कराने आई तो लोगों ने देखा कि दस्ते के दस्ते जा रहे हैं तो पूछा कहाँ जा रहे हो तो उन लोगों ने कहा कि रुकैया बनते अली के मज़ार पर यानि हज़रत सकीना या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साहबजादी के मज़ार पर कहा कि वहाँ हाजात पूरी होती हैं ये खातून वहाँ गईं और वहाँ जाके तवस्सुल किया और थोड़ी देर में जब रो रो के तकरीबन उनकी खास कैफियत हो गई तो वो कहती हैं किसी ने मुझसे कहा जाओ अपनी बच्ची के पास जाओ ये खातून कहती हैं जब मैं आई तो मैंने क्या देखा कि मेरी बच्ची कमरे में खेल रही थी जबकि वो बिल्कुल अपाह थी पहले उठ नहीं सकती थी और उसी के इलाज के लिए आई थी वो बच्ची खेल रही थी तो मैंने एकदम से पूछा क्या हुआ कहा कि जब आप गई थी तो एक छोटी बच्ची आई थी जो अपना नाम रुकैया बता रही थी वो मेरे पास आई और उसने कहा कि आओ खेलें और उसने मुझसे कहा कहो बिसम्लाहन रहीम और उसने मेरा हाथ पकड़ा फिर मैं उड़ गई मैं खेलने लगी और जैसे ही आप आई तो वो कह रही थी अच्छा मैं जा रही हूँ तुम्हारी माँ आ गई है पैनन एक ऐसा वाक़ा एक ईसाई फैमिली के साथ हुआ और वो इस तरह से कि जब हरम को बढ़ाया जा रहा था हज़रत या हज़रत रुक़्या के तो वहाँ एक घर था या एक जायदाद थी या दुकान थी एक क्रिश्चन की और जब उसको ऑफ़र दी गई दुगने की और दुगने के बाद ढाई गुना की तो भी उसने नहीं बेची यहाँ तक कि अब जाहिर है कि ये पैंतीस चालीस साल पहले का वाक़ है कि जब ऑपरेशन में जान भी चली जाती थी ख़वान की तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेबीवी हामला है और बच्चे को भी ख़तरा है इसको भी ख़तरा है ये बाहर निकला और उसी दौरान इसके जहन में आया कि मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि देखता था जाते हैं वहाँ पर वहाँ शिया भी जाते हैं सुन्नी भी जाते हैं और क्रिश्चन भी जाते हैं हाजात के लिए तो जनाब जैनब सलाम के हरम में सब जाते हैं न आज पहले भी हत शाम की बास क्रिश्चन ख़वान के जिनकी चादरें नहीं होती वहाँ पर चादरें रखी होती हैं किराए की और हरम की जानब से फ्री में भी कि चादर पहन के वह अंदर जाती हैं और अपनी हाजत लेके आती हैं तवसल करके आती हैं तो इस खातून का शौहर गया और उसने हज़रत सकीना या रु़ैया से तवसल किया कि अगर मेरी बीवी और औलाद जो भी हो रही है ये दोनों ज़िंदा रहे सही सालम तो मैं ये जगह आपके हरम को हदिया कर दूँगा अब जब ये वापस हॉस्पिटल आया वहाँ से नज़र करके तो क्या देखता है कि बीवी बिल्कुल सही सालम और नर्सों ने खुशखबरी दी कि आपका बच्चा भी सही सालिम है आपकी बीवी भी सही सालिम है और मुबारक हो कि बेटा हुआ है। अब ये खुशी से कमरे में गया तो क्या देखता है कि बीवी लेटी हुई है साथ में बच्चा भी लेटा हुआ है बीवी ने पहला सवाल ये किया तुम कहाँ थे कहा कि मैं काम से गया था कहा कि नहीं तुम रुकैया बिनते हुसैन की कबर पर गए थे कहा तुम्हें कैसे पता चला कहा कि जब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी तो मैंने क्या देखा एक चार पाँच साल की बच्ची कमरे में आई है और वो कह रही है कि तुम्हारा शौहर वहाँ है और तुम्हारे बेटा होगा और उसका नाम हुसैन रखना और उसके बाद वो चली गई और इस तरह से इस खातून को अल्लाह सुबहाना हुआ अहले बैत की बरकत से तूल उम्र भी दी और बेटे को भी ज़िंदगी दी और बेटे का नाम हुसैन रखा सलवा पढ़ें बर महम्मद वाल महम्मद बल्कि अभी लुबनान और शाम में तो एक मौजदा बाकायदा उस खातून का और चर्च में इंटरव्यू है जो मेरे यहाँ औलाद नहीं होती थी तो मैंने इमाम हुसैन तवसल किया कि मैं आपके बेटे पर अपना नाम रखूँगी उसने इंटरव्यू चर्च में दिया है और अरबी में इंटरव्यू है महली अरबी में उसने कहा कि फिर मैंने मुझे अल्लाह ने बेटा दिया जबकि हम लोग नाउमीद थे और उसके बेटे का नाम है जैन अलाब्दीन तो जिस तरह से अल्लाह सुबहाना हुआ तब का है रसूल अल्लाह रहमत है आल रसूल अल्लाह भी तमाम आलमीन के लिए उनकी रहमतें हैं और बरकतें हैं और हम खुशकस्मत हैं कि उनके दामन से वाबस्ता हैं